वेलकम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, जवान की डे 39 की, यानी कि गाइस आज संडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। आज क्या हुआ संडे पे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कल सैटरडे को क्या हुआ आप सबको पता है। पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच भी था, कलेक्शन में डिप आया, अच्छा खासा डिप आया। तो अच्छा खासा डिप आने के बाद कल सैटरडे पे टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कितनी हुई और आज संडे की टोटल करने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज बची हैं कि ये फिल्म 600 करोड़ हिंदी कर सकती है या 1150 करोड़ ग्रॉस कर सकती है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरी नजर में यही रिकॉर्ड है कि हम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सी मूवीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम ये बात कर रहे होते हैं कि भाई ये अपना बजट भी रिकवर कर सकेंगी या नहीं। टॉप ऑफ द लाइन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं आजकल की लेटेस्ट, तो वो है गाइस मिशन रानीगंज, यानी कि कितने बड़े स्टार हैं अक्षय कुमार भाई। इवन कि उस फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज भी नहीं आए, पॉजिटिव रिव्यूज। जो एक बार थिएटर में देख रहा है, जब वो थिएटर से बाहर निकलता है तो वो यही कहता है कि आउटस्टैंडिंग फिल्म, लेकिन फिर भी ऑडियंस का रिएक्शन नहीं है। और हम गाइस अक्षय कुमार इतना बड़ा स्टार, उसके बाद पॉजिटिव रिव्यूज, उसके बाद भी हम गाइस अपनी वीडियो में लास्ट यही डिस्कस करते रहे हैं कि गाइस मे बी नेट कलेक्शन में अपना बजट रिकवर कर जाए, नहीं तो उम्मीद नहीं, और ग्रॉस में तो अपना बजट रिकवर कर ही जाएगी। और उस फिल्म का बजट भी कितना है, 55 करोड़। और दूसरे एंड पे शाहरुख खान के केस में उल्टा है, हमेशा से, यानी कि पठान से ये स्टार्ट हुआ। शाहरुख खान के केस में हम ये नहीं कहते कि फिल्म का बजट रिकवर होगा, फिल्म का बजट या ग्रॉस में रिकवर होगा या नेट में होगा, नहीं, हम कहते हैं कि यार क्या ये फिल्म 1000 करोड़ कर पाएगी, यार 1000 करोड़ तो कर लिया, क्या 1100 करोड़ कर पाएगी, यार क्या ये उस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। मतलब कि एक कंपैरिजन लेवल का बनता है, और इस कंपैरिजन पे बात करने का जो मजा है वो किसी टॉपिक पे नहीं है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट के डे 39 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है। तो वो सब बताने से पहले वीडियो को कौन लाइक करेगा, ऑफ कोर्स आप, और चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा, मैंने नहीं आपने करें, जल्दी से करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोज में आपको लाके देता रहूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कल डे 38 यानी कि सैटरडे की ऑफिशियल कलेक्शन बताता चलूं। तो हिंदी बैंड 1.68 करोड़, ऑफ कोर्स डिप आना था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था भाई साहब, तमिल 1 लाख, तेलुगु 2 लाख, टोटल हो जाता है 1.71 करोड़ रुपीस। ओवरऑल तो बहुत कम है, लेकिन गाइस देखिए, उससे पिछले दिन नेशनल सिनेमा डे था, मतलब इस फिल्म ने जितना कमाला था उस दिन कमा लिया। फिर सैटरडे को अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच भी था, उससे एक दिन पहले नेशनल सिनेमा डे, यानी कि 99 रुपीस की टिकट प्राइस भी थी, तो उसके बाद भी अगर 1.71 करोड़ आया है तो मेरी नजर में यह बहुत ज्यादा है। नो डाउट हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, आपका मुझे पता नहीं, मेरी जरूर हाई थी। मैं 2 से 3 करोड़ हमें भी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठा था, लेकिन 1.71 करोड़ भी मेरी नजर में ठीक है भाई साहब। अब इसके बाद पहले 38 डेज के अंदर, यानी कि कल सैटरडे तक हिंदी से टोटल नेट कलेक्शन हो गई 575.93 करोड़। अब गाइस इसको मैं 576 ही बोलूंगा, यानी कि 576 करोड़ रुपए। तमिल 30 करोड़ रुपए, तेलुगु 27.80, टोटल हो जाता है 634 करोड़ रुपए। ग्रॉस बनी 750 करोड़ रुपए, ओवरसीज से आ चुका है 382 करोड़, टोटल हो जाता है 1135 करोड़। यानी कि जवान ने पहले 38 डेज के अंदर 1135 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर ली है। नाउ मूव करते हैं हम आज पे, यानी कि ऑफ कोर्स डे 39 संडे था, बड़ा दिन था भाई साहब, लेकिन डे 39 भी था। तो उसके बाद मॉर्निंग ऑक्युपेंसी देख लेते हैं। मॉर्निंग में 10% ऑक्युपेंसी, आफ्टरनून में 16% ऑक्युपेंसी, इवनिंग में 20% ऑक्युपेंसी, और ये जो ओवरऑल ऑक्युपेंसी बनी वो बनी ऑलमोस्ट 14%। और मैंने आपको क्या बता के रखा, अगर ऑक्युपेंसी 20 या 25% से ज्यादा हो तो कलेक्शन अच्छी, कम हो तो कलेक्शन अच्छी नहीं। तो अभी जो अर्ली एस्टिमेट आया है वो हिंदी से आया है 2 करोड़ रुपए का। ऑफिशियल कलेक्शन में भी 1.95 करोड़ आ जाए या में भी ज्यादा आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंदी का अर्ली एस्टिमेट है 2 करोड़, तमिल से 1 लाख, तेलुगु से 2 लाख, टोटल 2.03 करोड़ रुपए। यानी कि आज गाइस अपने डे 39 पे संडे पे
2.303 करोड़ की कलेक्शन हो रही है, नेट ग्रॉस बनी ऑलमोस्ट 3 करोड़ मान लेते हैं क्योंकि ओवरसीज की पॉइंट वाली कलेक्शन हम नहीं गिनते, 3 करोड़ ग्रॉस ओवरसीज से। लेट सपोज अगर 1 करोड़ भी यार मान लो आता है, 1 करोड़ क्योंकि आज संडे है, संडे के नाइट शूज अच्छे नहीं जाते क्योंकि अगले दिन मंडे है, तो उसके बाद अगर 1 करोड़ भी आता है तो 3+1=4 करोड़, यानी कि आज संडे पे 4 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो रही है। नाउ सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज, 576 करोड़ पहले हो चुका है, आज संडे का अर्ली एस्टिमेट है 2 करोड़, टोटल हो जाता है 578 करोड़ हो गया आज संडे तक। 600 करोड़ हमें चाहिए, चाहिए तो नहीं, एक बात करें अगर 600 करोड़ तक हमारा टारगेट है तो 600 में से अगर मैं 578 माइनस करता हूं तो बचता है 22 करोड़, यानी कि जवान को अभी लगभग 22 करोड़ रुपए और करना पड़ेंगे। अब आप सबको पता भी है कि कल मंडे से अच्छा खासा डिप आएगा, डिप के बाद ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को लियो भले ही नेशनल चेन्स में नहीं है लेकिन सिंगल स्क्रीन में है, अगले दिन गणपत है, मतलब कि इन दोनों के आने के बाद ऑफकोर्स जवान बहुत डाउन हो जाएगी। अब मुझे आप सबको पता है, मैंने भी बताया था, कुछ भाई भी मुझे बोल रहे थे कि यार भले ही वो आप भी गई लेकिन जवान चलती रहेगी, नो डाउट चलती रही थी, हम गाइस गदर 2 के टाइम भी यही बोलते थे कि जिस दिन जवान आएगी उस दिन गदर 2 खत्म हो जाएगी, लेकिन जवान के आने के 10 या 15 दिन बाद गदर 2 ने पठान 525 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर दिया, तो अभी उस हिसाब से देखें तो 600 करोड़ पॉसिबल भी लगता है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो समझ में नहीं आता क्योंकि अभी देखिए 2 नवंबर को गाइस इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स ओटीटी पर भी आ जाना है, लेकिन फिर दूसरी साइड पर देखें तो 2 नवंबर यानी कि ओटीटी पर आने के बाद भी शाहरुख खान की मूवीज चलती रहती है, लेकिन फिर आगे टाइगर 3 भी बैठी है, सो क्या है बोल सकते हैं। लेकिन ग्रॉस 1135 करोड़ और आज का अर्ली एस्टिमेट 4 करोड़ का है, कितना हो गया 1139, पीछे कितना बचा 11 करोड़, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई अपकमिंग डेज में 11 करोड़ तो आ ही जाएगा, यानी कि एक बात तो डन है कि कल भले ही हिंदी से, मतलब कल मंडे है ना, हिंदी का अर्ली एस्टिमेट में भी 60 लाख में भी 70 लाख आ जाए, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1 करोड़ प्लस होंगी, मतलब कल भी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ आ सकती है, इस तरह चलता रहेगा और ये 1150 करोड़ इजीली कर लेंगे। सो आपका इस बारे में क्या कहना नीचे बताइएगा, होप सो आपको वीडियो पसंद है, पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली जन्म, थैंक्स फॉर वॉचिंग।